इस बैग में, लोग पूछते हैं कि इस बैग में कैसे काम आता है, तो देखो ये बैग जो है ना गाइस यहाँ पर रहेगा, देख रहे हैं ये ऐसे रहेगा, वो तो पिट्ठू बैग है पीछे टांग लेंगे, ये ऐसे रहता है। अब लोग पूछते हैं इस बैग में रखते क्या है, तो देखिए इस बैग में क्या रहता है हम आप पहले तो आप बताते रहे हैं, एक चैन और ये दो पैकेट है और अंदर भी पैकेट देख सकते हैं आप, ठीक है। गियर पहन के जाऊँगा, ठीक है, पैर में पहनेंगे और ये हैंड में हाथ में पहनेंगे, ठीक है, अभी पहने भी नहीं है, अभी पहनेंगे पब्लिक रिएक्शन भी देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, और ये ग्लव्स पहन कर चलाते हैं। और हाँ रहते हैं, लेकिन पॉइंट की चीज़ है कि अगर बाई रोड आप चलते हैं तो आपको मेन टारगेट है रोड, आपको रोड पता होगा तभी आप कहीं जा पाएंगे, क्योंकि बार बार पे ना मैप खोलना इंटरनेट इस्तेमाल नहीं चलता, पहले ना तो नेट ही नहीं चलता कहीं प्लेस पे, तो मैप के भरोसे तो हम राइड कर नहीं सकते हैं, लेकिन जितना आपके पास राइड किए रहेंगे इसमें, आप देखिए मैं गोरखपुर में ऐसी ऐसी गलियाँ जानता हूँ ना गाइस। अभी हम हैं गोरखपुर रेलवे कारखाना पे, तो रुद्रपुर देवरिया तो निकलने के लिए, जब जब निकलने की तैयारी कर रहे हैं ना, तब तो बारिश हो जा रही है, क्योंकि मौसम थोड़ा सही लग रहा है, लेकिन टाइम निकल चुका है। वहाँ पे जाने का मतलब है ना, आप सुबह 5-6 बजे निकल जाइए और 7-8, 8:30 बजे तक 9 बजे तक आप पहुँच जाएँगे, क्योंकि वहाँ पर असली शिव जी का मंदिर है जो हम कभी गए नहीं है, तो वहाँ पर हम जाना चाहते हैं और वहाँ पर देखना चाहते हैं और पूजा भी करना चाहते हैं, क्योंकि जितनी भी शिव जी का मंदिर है ना वहाँ पे मैं ज़रूर जाना चाहता हूँ, एक बार तो ज़रूर जाना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बार बार जाऊँ, महादेव बार बार बुलाएंगे बार बार जाऊँगा, लेकिन जितना लोकल में टेंपल है ना वहाँ पे सारा जाकर पूजा करना चाहते हैं, और बाकी उज्जैन महाकाल जो है ना वो तो अपनी बाइक से ही जाएंगे, तो जहाँ भी जाते हैं अपने बाइक से जाते हैं बाई रोड ही, बस आप लोग का प्यार सपोर्ट बना रहे, अच्छे जाएँ अच्छे से आएँ, और जैसा भी रहा एक्सपीरियंस सब कुछ बताएंगे, स्पेशली रोड के बारे में तो हम पहले बताते हैं कि कौन सा रोड कहाँ जाएगा, क्योंकि यही मेन होता है, तो जो ब्लॉग हमारे देखे रहेंगे ना उनको मैप चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी पता चल जाएगा। बाकी चीज़ें मैं घर पे चलता हूँ, कुछ सामान पैकिंग करता हूँ, उसके बाद से मौसम सही रहेगा अगर कल, तो कल ही निकल जाएंगे, और कल फ्राइडे है। जो सामान आप देख रहे हैं यही सारा सामान लेके जा रहे हैं, जो राइड होने वाला है 60 किलोमीटर का एक तरफ से और अप डाउन का 120 किलोमीटर हो जाएगा, और लोकल में 5-10 किलोमीटर कहीं चलना पड़े तो भी चल सकते हैं। तो आपको पॉइंट की चीज़ें मैं इसमें यह दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आप 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर बेसिक में राइड करते हैं तो आपके पास एक बैग होना चाहिए, बैग में एक बोतल पानी होनी चाहिए, काजू किशमिश मुनक्का छुआड़ा ये सब होना चाहिए, बार बार बाहर के सामान नहीं खाना चाहिए, इससे पेट भी ख़राब हो सकती है और प्रॉब्लम आ सकती है, और गैस तो बनता ही है गैस। तो मैं एक ये बैग लेके जाऊंगा, ठीक है, और ये पिट्ठू बैग लेके जाऊंगा और ये गियर पहन के जाऊंगा, तो ये पैर में पहनेंगे और ये हैंड में हाथ में पहनेंगे, ठीक है, अभी पहने भी नहीं है, अभी पहनेंगे पब्लिक रिएक्शन भी देखेंगे कैसा है कैसा नहीं, और ये ग्लव्स पहन कर चलाते हैं। और हाँ एक सेट कपड़ा जो देख रहे हैं, एक सेट कपड़ा भी आप ले जा सकते हैं, तो ये पॉलिथीन पे नोटिस ना करिएगा, ये पॉलिथीन हम किसी से मांगे हैं। तो इस बैग में ये भी हट जाएगा, ये सारा सामान हट जाएगा, ठीक है, और ये सारा हट जाएगा, तो जब मैं बाइक चलाऊंगा तो ये पहन लूँगा और ये पहन लूँगा और पीछे बैग टांग लूँगा, ठीक है, अकलफ तो पहनूंगा, लेकिन जब मंदिर पे पहुँच जाएंगे तो ये सारा उतार के सब इसमें इकट्ठा कर देंगे, फिर बैग को कहीं जमा कर देंगे, बैग जमा होता है मंदिर पे कॉलेज में हर जगह जमा होता है, बैग जमा करके कहीं भी आप निकल सकते हैं, ठीक है, और बाइक है जो पार्किंग में चला जाती है, अगर ऐसा कुछ मिलता है तो मैं 1-2-3 घंटे के लिए रूम भी ले लूँगा, ठीक है। इस बैग में लोग पूछते हैं कि इस बैग में कैसे काम आता है, तो देखो ये बैग जो है ना गाइस यहाँ पर रहेगा, देख रहे हैं ये ऐसे रहेगा, वो तो पिट्ठू बैग है पीछे टांग लेंगे, ये ऐसे रहता है। अब लोग पूछते हैं इस बैग में रखते क्या है, तो देखिए इस बैग में क्या रहता है हम आप पहले तो आप बताते रहे हैं, एक चैन और ये दो पैकेट है और अंदर भी पैकेट देख सकते हैं आप, ठीक है, यहाँ पर चाबी टांगने वाली है, ठीक है, अलग अलग इसमें है और यहाँ पे है। तो इस बैग में क्या क्या रखा जाता है, जैसे आप पर्स रख लिए हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स लिए, लाइसेंस हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, ये सब, तो आप बाई रोड प्लाजा हो गया बॉर्डर पड़ेगा तो तुरंत आप लाइसेंस दिखा सकें और आधार कार्ड फ़ोटो लगता है वो भी निकाल सकें, पर्स रहता है वो भी निकाल सकें, तो स्पेशली उसके लिए। बाकी इसमें फ़ोन पावर बैंक चार्जर जो बेसिक चीज़ें हैं सारे इसमें आप कैरी कर सकते हैं, और ये पूरा इसमें आराम से 2 लीटर तक हट सकते हैं, 2 लीटर तक अच्छे से हट जाएगा, और ये मुझे पड़ा था 1300 रुपये का, शायद इसमें मैं बिल रख देता हूँ, देखिए मैं यहाँ पे बिल दिखा दे रहा हूँ, 1290 रुपये का, तो
तो मेरा क्या है गाइस ना, मैं कोई भी चीज़ ख़रीदता हूँ ना, तो जो इस तरह का टैग आता है ना, उसी बैग में डाल देता हूँ। और इसका वाला तो अलमारी में रखे थे लेकिन मिल नहीं रहा। ये पड़ा था मुझे 4000 का, ये भी अमेरिकन टूरिस्ट का है। तो जो बैग होता है ना, हम कंपनी का ही ख़रीदते हैं कि ज़्यादा दिन चले, और लोग देखते हैं तो इसे आपसे इज्जत भी देते हैं। आपको तो पता है लोग औकात देख के इज्जत देते हैं, तो मैं रियल फैक्ट बोलूँगा। तो लाइक कमेंट करके जाएं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉग लंबा जाता है, क्यों जाता है आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। अगर हमारा वीडियो आप देख रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि अगर वीडियो देखें तो आपको क्या समझ में आया और मैंने क्या बताया, ठीक है। तो पिट्ठू बैग हो गया और ये अपनी कमर वाली बैग हो गई, ठीक है। और यहाँ पे अगर बाय रोड आप चलते हैं तो आपके पास एक रेनकोट कोट होनी चाहिए ऊपर का और नीचे का, और एक छाता होना चाहिए, अम्ब्रेला, ठीक है। बाकी जो चीज़ नहीं बता पाते हैं वो कमेंट करिएगा, वो भी मैं बताऊँगा। तो ये बाय रोड के लिए, जो बाय रोड चलते हैं बाइक से, उनके लिए रेनकोट और एक छाता। तो ये जो छाता है इस बैग में तो अट जाएगा, और ये जो रेनकोट है इसमें अट जाएगा, ठीक है। बाकी डॉक्यूमेंट्स लेके चलें, और गाड़ी का कागज़ लाइसेंस ज़रूर अपने पास रखें, और हाँ हेलमेट पहन के ज़रूर बाइक चलाएं, ठीक है। ऑलरेडी मैं तो हेलमेट पहन के चलाता हूँ क्योंकि मुझे गोप्रो इस्तेमाल करना रहता है। और अपने पास मैप है क्योंकि मुझे इंडिया राइड करना है, तो बेसिक चीज़ें मैं देखता रहता हूँ, और कहाँ पे कितना पास किलोमीटर पड़ेगा, क्या चीज़ पड़ेगा, क्या बॉर्डर पड़ेगा, ये सब अपने पास दिमाग में होना। तो जैसे ही मौसम सही होता है वैसे राइड पर निकल जाएंगे। तब तक ये वीडियो हम डाल दे रहे हैं, और आप लोग देखिए, सपोर्ट प्यार करते रहिए। आप क्या है ना, जब छोटी छोटी राइड करेंगे ना तभी बड़ी राइड कर पाएंगे। तो स्पेशली मेरा टारगेट ये है कि इंडिया तो राइड करना ही करना है, लेकिन जो आसपास है वहाँ पहले घूम लीजिए, क्योंकि जब आप आसपास के अच्छे से आप घूम लेंगे ना, तो फिर बाहर निकलने का एक्सपीरियंस भी बढ़ जाएगा। और एक बार में लगभग 700-800 तो बाइक हम चला ही दिए हैं, लेकिन मेरा पहला टारगेट है कि 24 घंटे में उज्जैन हम पहुँचें, और 24 घंटे के बाद आप वहाँ कुछ भी करते रहिए। क्योंकि एक लक्ष्य होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए। मेरा लक्ष्य यही है कि मैं 24 घंटे में उज्जैन पहुँच जाऊँ। पहुँचने के लिए लोग तो 20 घंटे में 28 घंटे में पहुँच जाते हैं, लेकिन अपने को अपने हिसाब से जाना है, क्योंकि भाई प्यार सपोर्ट रहा ना तो बहुत आगे जाएंगे, लेकिन इतना भी जल्दी जाना है। तो टारगेट यही 24 घंटे में पहुँचें, लेकिन उसका जब बुलावा आएगा ना, महाकाल बुलाएंगे ना, तो जल्दी निकलेंगे। तो अभी क्या है ना, आसपास में जितना टेंपल होते जा ही रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ प्लेस होता है वो भी दिखाते रहते हैं। लेकिन पॉइंट की चीज़ है कि अगर बाई रोड आप चलते हैं तो आपको मेन टारगेट है रोड, आपको रोड पता होगा तभी आप कहीं जा पाएंगे। क्योंकि बार बार पे ना मैप खोलना, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं चलता, पहले ना तो नेट ही नहीं चलता कहीं प्लेस पे, तो मैप के भरोसे तो हम राइड कर नहीं सकते हैं। लेकिन जितना आपके पास राइड किए रहेंगे इसमें, आप देखिए मैं गोरखपुर में ऐसे ऐसी गलियाँ जानता हूँ ना कि बहुत लोग जानते भी होंगे, 40 साल के 50 साल के होंगे लेकिन गली नहीं जान रहे होंगे। तो वही चीज़ है ना, और अपने को राइड करना पसंद भी है, तो जो अच्छा लगता है वही करते हैं। बाकी साइड से तो काम करते रहते, पैसा मिलता तभी इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो क्या अच्छा लगा क्या बुरा कमेंट जरूर बताइएगा, लाइक सपोर्ट करते रहिए। बाकी जो भी चीज़ है हर चीज़ हम शेयर करते रहते हैं, जो नहीं शेयर कर पाते हैं, जो हम नहीं बता पाते हैं वो कमेंट करके आप बताइएगा, वो नेक्स्ट टाइम वीडियो में हम बताएंगे। तो जैसे मौसम फ्रेश होता निकलते हैं। जय वंदे मातरम।